देहरादून से खबर, जहां पर शिव मंदिर पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, पूरे परिवार के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने की प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। आपको बता दें, मौजूद श्रद्धालुओं में भी राज्यपाल ने बधाई दी मौजूद श्रद्धालुओं को। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पहुंची थी बेबी रानी मौर्य। अपने पूरे परिवार के साथ आज भगवान रुद्र का अभिषेक करने के लिए पहुंची थी। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके साथ ही साथ तमाम वहां मौजूद श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। खबर देहरादून से है, सुबोध सिंह बने सीएम के सोशल मीडिया समन्वयक। आपको बता दें, सूचना सचिव दिलीप जावलकर ने जारी किया ज्ञापन। पेशे से सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं सुबोध सिंह। पहले मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 में रह चुके हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी। बीजेपी डोईवाला मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं सुबोध सिंह। अब सीएम के सोशल मीडिया समन्वयक के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 से रह चुके हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी। बीजेपी डोईवाला मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं सुबोध सिंह। तो हरिद्वार के अंदर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर उठे सवाल। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव बनाए जाने पर उठाए हैं सवाल। दास ने उठाए हैं सवाल। आपको बता रहे, ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के विपरीत है। महंत धर्मदास ने पीएम मोदी को पत्र लिखने की बात भी कही है। सवालों पर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी परमानंद ने जवाब दिया, ट्रस्ट में शामिल नहीं किए गए लोग कर रहे हैं विरोध, स्वामी परमानंद की तरफ से कहा गया। तो हरिद्वार के अंदर संतों की तरफ से विरोध किया गया है। चंपत राय को इस ट्रस्ट में शामिल करने का, महासचिव बनाने का विरोध किया गया। तो आपको बता रहे कि विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। चंपत राय के काम है। चंपत राय को पहले भी निर्मोही अखाड़ा ने कह दिया था कि इन लोगों ने पैसा के गमन किया था अगला ट्रस्ट में। अब ये लोग वही फिन आ गए कौआ नुचौवल। तो इसलिए इस ट्रस्ट को मैं अपने तरफ से ये अब अवैधानिक मानता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के मनसा के अनुरूप ये ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, क्यों? कि जिस ट्रस्ट में रामभूमि न्यास था, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी बना, तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में बना तो वही अध्यक्ष वही व्यवस्था, तो नया उसको बनाने के क्या काम था केंद्र सरकार को? सुप्रीम कोर्ट ने जिस जो मनसा से ट्रस्ट बनाने के केंद्र को कहा, वो मनसा के अनुरूप ये ट्रस्ट नहीं। कोर्ट को भी पहल करनी चाहिए इसमें कोर्ट को अपने सोचना चाहिए कि जो वही खिलाड़ी पूर्व और पश्चिम दोनों। तो इसलिए मैं इस ट्रस्ट को अवैधानिक मानता हूँ। नाम लेके नहीं कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि कौन व्यक्ति नहीं है जिसको मन में हो कि मुझे ले लिया जाए। यदि मुझे न लिया जाता तो मेरे बहुत प्रेमियों को बुरा लगता। वही लोग, ठीक है, यहाँ तक ले लेने के बाद भी अभी कई जगह जैसे हम ही ने चुना, कोषाध्यक्ष हमने चुने, अध्यक्ष चुने, हमने समर्थन किए, लेकिन कई लोगों को लगेगा स्वामी परमानंद को ले जाना चाहिए। तो ये कामना का तो अंत है नहीं, लेकिन हमारी कामना पद की नहीं थी, हमारी कामना मंदिर की थी, वो आज हमारी पूरी। तो हरिद्वार के अंदर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव बनाए जाने पर सवाल उठा। मुख्य पत्रकार निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने ये सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, ट्रस्ट को विश्व हिंदू परिषद का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, महंत धर्मदास की तरफ से कहा गया। निर्मोही अखाड़े को तरजीह ना मिलने पर उन्होंने यह बयान दिया। फिलहाल इस पर ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद की तरफ से कहा गया कि मंदिर निर्माण सभी संतों की एक महत्वपूर्ण मांग है, ट्रस्ट में कौन है और कौन नहीं ये अलग का विषय है, ट्रस्ट में शामिल नहीं किए गए लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल उठे हैं। आपको बता रहे, हरिद्वार के अंदर ये सवाल उठे जिसका जवाब भी दिया गया।
तो वहीं विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में घोषित होते ही यूकेडी सक्रिय हो गई है। यूकेडी के नेताओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। राज्य बनने के समय बड़े वजूद वाले यूकेडी अब तलाश रही है अस्तित्व। ऐसे में यूकेडी नेताओं का कहना है कि गैरसैंण को बनाया जाना चाहिए स्थायी राजधानी। यूकेडी के जिला अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग को लेकर किया जाएगा आंदोलन। बने ये उत्तराखंड का सबसे पुराना अपना मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की राजधानी जो है वो गैरसैंण बने। इसके लिए तमाम तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल लगातार संघर्षरत रहा है, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं वो कहने लग गए हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, तो हम उत्तराखंड क्रांति दल वाले इसका घोर विरोध करते हैं। किसी भी सूरत में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकार नहीं, एकमात्र गैरसैंण राजधानी वो भी स्थायी राजधानी गैरसैंण बने। उत्तराखंड क्रांति दल एवं उत्तराखंड का पूरा जनमानस वहां राजधानी चाहता है और इसके इससे कम में कोई समझौता नहीं, किसी भी प्रकार से वो मान्य नहीं। जो विधायक हैं वो डर के कारण से अब सरकार को घेरने लग गए हैं, जो भाजपा के विधायक हैं अपनी सरकार को घेर रहे हैं कि साहब वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाइए, वो भी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि जनता भ्रमित रहे और अधिकतर काम देहरादून में बैठ के काम किया जाए। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है और आने वाले समय में लगातार आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो स्थायी राजधानी वो गैरसैंण बने ये उत्तराखंड का। तो वहीं 29 अप्रैल को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। सुबह 6:10 पर खुलेंगे कपाट। ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से डोली होगी रवाना। 28 अप्रैल को डोली पहुंचेगी केदारनाथ। तो सुबह 6:10 पर खुलेंगे कपाट। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। सुबह 6:10 पर कपाट खुलेंगे। तो शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से ये डोली रवाना होगी। 28 अप्रैल को डोली पहुंचेगी केदारनाथ। इसके बाद 29 अप्रैल को खोलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। ब्रेक के बाद खबर उत्तरकाशी से है। काशी विश्वनाथ मंदिर महाशिवरात्रि की धूमधाम के साथ मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। काशी विश्वनाथ की बारात में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने शिव बारात में जमकर लगाए ठुमके। जगह जगह किया शिव की बारात का स्वागत। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। यह है कि यहाँ पर लोग जो है सुबह 4 बजे से जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक का विशेष महत्व है शंकरम जलम प्रियम इस प्रकार से, और बिलपत्र का त्रिजलम त्रिनाकारम त्रिनेतम चतुर्यायनम त्रिजलम पानी श्रृंगारम एक बिल्लवार प्रकार प्रियम। और चाहे यहाँ पर विशेष जो है 4 पहर की जो है पूजा। तो वही सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के झाड़ी गांव के पास बाराकोली रेंज के जंगल में स्थित भगवान शिव का ऐतिहासिक झाड़खंडेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था और उपासना का केंद्र है। भगवान शिव के 400 साल के अधिक पुराने इस पौराणिक मंदिर में कई धार्मिक और ऐतिहासिक किस्से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर को झाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा आगमपुरी के वंशज 4 पीढ़ियों से इस मंदिर में पुजारी हैं। शिवरात्रि पर यहां 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ शिव भक्त पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। है? 2-3 चैनल है मेरे पास। तो वह भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से प्रभावित होकर स्विट्जरलैंड से आए प्रेमी युगल ने हरिद्वार के कनखल में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। विदेशी जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि के साथ फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। साथ ही उनके साथ आए परिवार के मित्रों ने उनको आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना माँ गंगा से की है। शादी में शामिल होने आए विदेशियों का कहना था कि हमें बहुत खुशी है कि हमने भारतीय संस्कृति से हुई शादी में हिस्सा लिया। इस शादी को हमें ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ से गहरा रिश्ता हो। लड़के का लड़की मांगलिक है तथा लड़का मांगलिक नहीं है, इसी वजह से लड़के का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है उसका, और इसको बहुत परेशानी है। तो मैंने इनका उपाय कराया, फिर इनको सलाह दी कि आप
एक बार अपना विवाह को विच्छेद करके उसके बाद आप पुनर्विवाह इसी लड़के के साथ करो तो ये मांगलिक दोष जो है वो कम हो जाएगा। तो इन्होंने इसी प्रकार का इन्होंने किया, यहाँ पर आए पूरे परिवार सहित आए, इसमें इनके दोस्त कुछ ऑस्ट्रिया से हैं, कुछ जर्मनी से हैं, स्विट्जरलैंड से लोग हैं और मनफिट एलिजाबेथ इनके नाम है और ये दोनों इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर हैं, भारतीय सनातन धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं तथा इसी विश्वास की वजह से यहाँ पर आए। तो वही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए उद्देश्य से हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारिता और एवं जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एआर डंगवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से अपनी मातृभाषा को संरक्षित रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाए जाने का इतिहास पर विस्तृत व्याख्यान दिया। आपको बता दें कि 21 फरवरी 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया, तब से हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी एक अपनी गरिमा है। हम चाहते हैं कि विश्व के पटल पर हमारी भाषाई और सांस्कृतिक जो विविधता है अपने सांस्कृतिक उन्मेष के साथ पहुंचे और हमारा प्रत्येक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा से जुड़े और न केवल जुड़े बल्कि उसके अंदर जो राष्ट्र प्रेम का जज्बा है वो एक नए अध्याय को खोले और वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जहां उसकी गति है। जहां तो वही नरेंद्र नगर के अंदर अचानक बदला मौसम का मिजाज। नरेंद्र नगर के आसपास के इलाके में हुई बारिश होने से बढ़ गई है ठंड। बारिश से इलाके की सड़कें बदहाल हैं और ऐसे में गड्ढों में वाहन हिचकोले खा रहे हैं। आपको बता दें नरेंद्र नगर के अंदर अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। नरेंद्र नगर के आसपास के इलाके में बारिश हुई है जिसकी वजह से लगातार मौसम ठंडा होता जा रहा है। अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और आपको बता दें कि अचानक से मौसम बदला है। तो वही नई टिहरी में भी बदला मौसम का मिजाज। इलाके में हुई झमाझम बारिश होने से इलाके में बढ़ गई है ठंड। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया था। वहीं पौड़ी में भी मौसम ने करवट ली है। आसपास के इलाकों में हुई बारिश से इलाके में बढ़ गई है ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका, जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। तो देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।